एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उर्वशी एंड यू आर वाचिंग फैशन विद क्वारबी। सो आज मैं, क्योंकि विंटर का हम वीडियो कर रहे हैं, तो आज मुझे ना एक लुक क्रिएट करना था और मैं सरोजनी से लेके आई थी दो तीन चीज़ें, तीन ही ओवरकोट लेके आई थी। सो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ना, ये है मेरी वार्डरोब और मैं इसमें देख रही हूँ, मैं तीन लेके आई थी, उन तीनों को स्टाइल करना है मुझे। दो तो यहाँ पे हैं, एक ये ब्लैक वाला है और ये वाला भी यहीं पे है, ब्राउन वाला। एक और था, वो मैं ढूंढ रही हूँ, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो ना मैं ना कुछ भुलक्कड़ टाइप की हूँ और हमेशा मेरे साथ यही होता है। वो ना बहुत, एक तो लंबा हो गया था, वो लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक क्रिएट हो सकता है और काफ़ी शेक लुक क्रिएट होगा। तो वो मैंने रखा, बट फिर मुझे समझ में नहीं आया कैसे करूँगी, क्या कैसे पहनूंगी, तो मैंने सोचा मैं अपनी मम्मी को दे दूँगी। लेकिन अब ना मैं भूल गई हूँ वो रखा कहाँ है मैंने। और मैंने बहुत टाइम बाद अपनी अलमीरा सेट करी थी और अब मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा वो है कहाँ। सो लेट्स चेक इट आउट कि कहाँ पे रखा है। एक तो वो है भी इतना बड़ा, मैं रख देती हूँ कैमरा यहाँ पे अगर ये गिरे ना तो, और मैं क्विकली सर्च करने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले मैंने लिया है हाई नेक, ताकि मेरा नेक पूरा कवर हो जाए। उसके बाद ये है, मैंने अमेज़न से मंगाई थी 599 की पड़ी मुझे अंडर पैंट। ये यू साइज़ आगे से जो दिख रहा है ना, ये फ्रंट साइड एंड जो सिंगल लाइन है वो बैक साइड। काफ़ी गर्म है ये एंड इट्स अ गुड ऑप्शन। उसके बाद मैंने वेयर किया थोड़ा सा पॉपिंग कलर विच इज़ पिंक स्कर्ट एंड कवर किया है इसको ब्राउन ओवरकोट के साथ, जिसका अंदर का कपड़ा रेड है और काइंड ऑफ पिंकिश, और इसका पॉकेट स्क्वायर भी पिंकिश है, इसलिए मैंने इस कॉम्बिनेशन के साथ इसे प्रेजेंट किया है विथ ब्लैक बूट्स एंड आई एम डन। कितना कूल लग रहा है, ब्लैक एंड ब्राउन कलर है, तो आप इयररिंग्स में, जैसे मैंने इयररिंग्स में ब्लैक पहन रखा है एंड स्पेक्स ऑफ कोर्स, दो तीन बहुत ही अच्छी बात होती है स्पेक्स की या शेड्स की। अगर आप डार्क शेड्स पहनते हैं तो एक तो आपको कौन कौन देख रहा है, कौन कौन नोटिस कर रहा है, आपको पता चल जाता है, और दूसरा आंखों के, मुझे लगता है ऐसा, वैसे सारी लड़कियों को लगता होगा, आंखों से ज़्यादा सर पे अच्छे लगते हैं। और मेरे लिए तो, क्योंकि मेरे बाल आगे से बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके मैंने काट दिए थे, तो ये मेरे बालों को सेट भी लगता है। यस, दिस इज़ द फर्स्ट लुक। So this is my second look with this beautiful overcoat. काफ़ी chic लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। So आप पे भी ये बहुत अच्छा लग सकता है और this is the best option. हाँ, मैंने इसके अंदर bodycon dress पहनी है जो कि warm है and इसका stuff काफ़ी मोटा है and V-neck गला था, तो मुझे लगा कि मतलब मैं थोड़ा सा इसमें नेक पीस पहन लेती हूँ, स्टेटमेंट पीस एंड बेल्ट के साथ और हील के साथ ये लुक को मैंने कंप्लीट किया है। एसेसरीज मैंने ब्लैक रखी है क्योंकि मैचिंग हो रहा था। ऑफकोर्स मैं इधर उधर चल के आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ, फ्रेम में आ ही नहीं रहा है, बट यस दिस इज़ द सेकेंड लुक और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट्स ब्यूटिफुल सी, मतलब आप ये, आपको ना एक्सपेंसिव सा फील कराता है लोग, आई गेस आपको खुद में अच्छा लगता है एंड आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जैसे मिरर में देख के मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। सो आई एम सीरियसली गोइंग टू ट्राई दिस समवेयर, बहुत अच्छी सी जगह में। सो ये वाला मैंने वन पीस पहना है, मैंने ना ये जिसका, ये बहुत बड़ा हाई नेक है, तो मैंने ना इसे सर पे रखा है।
तो समझ में आ रहा होगा क्यों रखा है। तो ये ना ऐसा वाला फील है थोड़ा सा। सो हाई एंकल बूट्स मैंने इसके साथ वेयर किए हैं, बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। आप चाहते हैं मतलब अगर आपको ठंडा लगता है तो आप जो सेम स्टॉकिंग्स मैंने आपको पहली वाली स्टाइलिंग में दिखाई थी आप उसको भी वेयर कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि इतना ठंडा तो हम बर्दाश्त कर ही सकते हैं, क्योंकि ये जो है अंदर का मैंने ये बहुत ही मोटा है, ये वुलन है लिटरली, और शॉर्ट्स पहनेंगे तो आपको इतना, आपको बस इतना ही पंप विजिबल होगा। तो इफ़ यू वॉन्ट देन यू कैन, बट इफ़ यू डोंट वॉन्ट देन इट्स ओके। लेग वार्मर्स भी आते हैं जो यहाँ तक होते हैं, आप उनको भी वेयर कर सकते हैं शूज़ के अंदर। लेकिन बूट्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि बूट्स का आपका ये, अगर आप वार्म यू नो सॉक्स या लेग वार्मर्स या फिर ऊपर तक जो होते हैं स्टॉकिंग्स वो पहनते हैं वुलन वाली, तो ना आपका ये पार्ट जो होता है वो बहुत टाइट हो जाता है, तो ये जो चेन होती है ना ये निकलने के चांसेस या फिर टूटने के चांसेस या फ्री होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जब भी मैं हाई नेक बूट्स पहनूँ वो मैं ऐसे ही पहनूँ, और कंफर्टेबल भी रहते हैं और आपकी जो फुटवेयर की ड्यूरेबिलिटी है वो भी लंबी हो जाती है, बढ़ जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे फुटवेयर के लिए अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। ये है लाइफस्टाइल के, और ये मैंने आई थिंक 2 साल पहले लिए थे जो कि अराउंड थे 3000 समथिंग, मतलब आसपास थे। सो हाँ, मेरे जितने भी बूट्स हैं फुटवेयर हैं पहले तो मैं ऐसे लोकल ले लिया करती थी, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ थोड़ा सा लंबा, क्योंकि विंटर का सीज़न बहुत छोटा होता है और बहुत रेयर होता है कि हमें यू नो ऐसे जाना पड़े, या फिर अगर हम रेगुलर यूज़ भी करते हैं तो भी अगर आप अच्छी ब्रांड का लेंगे तो इट्स गुड फॉर यू एंड यू फील कम्फर्टेबल एंड मोर कॉन्फिडेंट। सो यस, दिस इज इट इन दिस वीडियो। So, like, share and subscribe. Till then, take care and bye-bye. So guys, जो मैं बात कर रही थी कि लोग हील्स के ऊपर ऐसे सॉक्स पहनते हैं, वो इस तरीके का मतलब ऐसा कुछ स्टाइल करते हैं।